एक्स फाइव जिसे हमने एपिसोड वन में पहली बार देखा था उसके बारे में बात करते हैं तो जब डॉक्स ने सभी टीवी करने के लिए भेजा था तब फाइव अपने मिशन से भटक कर एक्टर बनने चला गया था जिन्नों पंजाबी पासे होना भी कहते हैं और शायद फाइव एज अ वेरियंट अरेस्ट होने से पहले असलियत में एक एक्टर था जिसका नाम ब्रैड वुल्फ था और शायद उसने अपने सैक्रेट टाइम लाइन के वेरियंट को प्रून कर दिया और उसकी जगह ले ली कॉमिक्स में ब्रैड वुल्फ एक एक्टर था जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज वाले मामो के एक पैरासाइट जेनी ने प्रोसेस कर लिया था ब्रैड वुल्फ से पहले भी जेनी ने कई सारे होस्ट बदले थे थेम की तरह लेकिन जेनिया औरतों का मर्डर करने में इंटरेस्टेड था और इस बात से जेनिया मशहूर हो गया एंड इसलिए ही जेनिया पर बेस्ड एक मूवी आती है जिसमें एक्टर ब्रैड वुल्फ काम करता है लेकिन औरतों की तलाश में भटकते हुए जेनिया के दिमाग की बत्ती चलती है और वो आ जाता है एक ऐसे आदमी को पोस करने जिसका नाम ही काफी था बच्चे बच्चे और अचानक से जेनिया उसे प्रोसेस कर लेता है और ब्रैड वुल्फ भी सीरियल किलर बन जाता है लेकिन उसके बाद इसलिए होंगे पकड़ने आए हैं वो सैक्रेट टाइम है मतलब हमारा मेन एमसी हुई है और यहाँ एक्स फाइव टीवी छुपकर ब्रैड वुल्फ नाम के एक्टर की लाइफ जी रहा है जिसका मतलब जो कुछ टीवी में इस वक्त हो रहा है ये सब भी ऑलरेडी पहले से ही प्लान है कि अगर एम सी यू की मेन टाइम लाइन में कुछ हो रहा है या हो चुका है वो सब ही रिमेन्स ने ऑलरेडी प्लान करके रखा था जिस वजह से एम सी यू रिमेन्स की परफेक्ट टाइम लाइन था लेकिन क्योंकि ही क्यूँकी रिमेन्स मर चुका है इसका मतलब सीटा डल में अभी भी कोई टाइम को कंट्रोल कर रहा है या फिर फ्यूचर पहले से ही लिखा हुआ है जिसके बारे में यहाँ इस सीन में सिल्वी बात कर रही है क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि भविष्य पहले ही लिखा जा चुका है हम दोनों जानते हैं ये सच नहीं है अब ऐसा नहीं होता अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि जनरल डॉक्स की वजह से सारी ब्रांच टाइम खत्म हो गई हैं मतलब मल्टीवर्स की कहानी खत्म बट नहीं जिन टाइम को डॉक्स और उसके लोगों ने प्रून किया है वो सभी 616 में से निकलने वाली टाइम थी जिसका मतलब इलुमिनाटी अर्थ 838 थ्री वैनम वर्स का अर्थ 688 और बाकी सभी यूनिवर्सिस अभी भी सेफ है क्यूकी जिस तरह टेम्पोरल लूम का डिजाइन बनाया गया है उसका ये मतलब है की बाकी सभी यूनिवर्सिस की कहानियाँ नॉर्मली चल रही है लेकिन इस मशीन ऐसी उन यूनिवर्सिस के छोटे 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 पीसेस गुजरते हैं और आगे जाकर एक एमसीयू का सिक्स वन सिक्स यूनिवर्स बन जाता है जिसे कैंगट टाइम लाइन मानता है ये कैंग की एक परफेक्ट है और इसलिए कैंग नहीं चाहता कि 616 की ब्रांच टाइम बने कैंग डायनेस्टी में ही होगी अब यहाँ डॉग्स का सब कुछ प्रून करने का रीजन भी बनता है क्योंकि डॉग्स पहले से ही जानती है की आगे क्या होने वाला है इस चीज को हम एपिसोड वन में देख चुके हैं जहाँ डॉग्स एक्स फाइव को एक वार्निंग के बारे में बता रही है मतलब कोई डॉग्स को पहले ही वार्न कर चुका है जिसका मतलब कोई टीवी है

और भी बहुत सारे टाइम स्लिप वाले सीन्स थे जिसका मतलब लोकी फिर से टाइम स्लिप करेगा और वो डॉग्स को वार्निंग देकर जाएगा जाओ और सारी टाइम को प्रून करो ताकि दूसरी में कैंग ताकिंग पैदा हो और मल्टीवर्सल ना हो अब यहाँ भी जाता है टेम्पोरल सिर्फ ही रिमेन्स की टेम्पोरल और ही टीवी फिक्स हो सकता है टेम्पोरल एक फिंगर की तरह हर वेरियंट को आइडेंटिफाई करने वाली चीज है जो हर एक वेरियंट का दूसरे से अलग होता है जिसे हम लोग सीजन वन के सीन में देख चुके हैं एपिसोड वन की डाउन वीडियो में हमने कहा था कि सिल्वी ही रिमेन्स के मास्टर टैंप पैड डिवाइस को यूज कर रही है और इसी की मदद से उसने लोकी को पास्ट में फेंका था जिसका मतलब इस वक्त सिल्वी के पास जाने अनजाने एक बहुत ही पावरफुल हथियार है जिसकी कदर इस पागल औरत को है ही नहीं और ये मैकडोनल्ड में बर्गर बेच रही है यहाँ एक्स फाइफ ने बहुत ही सही तरीके से आखिरकार दस साल बाद लोकी के अंदर का कमीना शैतान ऑलमोस्ट बाहर निकाल दिया था और हम भूल गए थे की लोकी एक्चुअली एक विलन है बट ये एक फ्यूचर रेफरेंस हो सकती है लोकी के कैरेक्टर के लिए क्योंकि शायद लोकी मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए कैंग का साथ देगा चाहे उस मकसद को पूरा करने के लिए उसे सभी सुपर

एपिसोड में ही हमें जोनेथन मेजर के सीन दिखेंगे वैसे इस एपिसोड में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया गया है और एक्स फाइव के इंटेरोगेशन वाले सीन्स तो सबसे ही ले थे जिसकी वजह से लग ही नहीं रहा था की एक एमसीयू शो है और एक अमेरिकन शो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि टीवी के रूल्स अमेरिका के अकॉर्डिंग नहीं चलते इसलिए एक्स फाइव के इंटेरोगेशन के टाइम वाले सीन्स लोकल लोकल लग रहे थे अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग